हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वंदना और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ फैब्रिक्स के नाम, उनका यूज़ बताऊंगी और उनका दिखाऊंगी भी कौन सा फैब्रिक है, किस टाइप से आप उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग टाइप के ड्रेसेस बनाने में। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ प्रिंटेड फैब्रिक्स। देखिए मेरे पास कुछ प्रिंटेड फैब्रिक्स में ये है, इस टाइप की जो फैब्रिक्स है वो सभी के पास होते हैं। ये वाले फैब्रिक्स का यूज़ करके जो है आप काफ़ी सुंदर सुंदर अपने प्लाजो, लहंगे या क्रॉप टॉप बना सकते हो। आप कुशन कवर वगैरह भी बना सकते हो इनसे, और इसके अलावा आप डस्टिंग क्लॉथ बना सकते हो, और DIY आप जो करते हो कार्डबॉक्स का उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। और कार्डबॉक्स का DIY तैयार करने में बहुत सुंदर फैब्रिक लगता है। ये तो मेरे पास एक सैम्पल के तौर पर बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंटेड फैब्रिक्स में बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक्स आते हैं। एक ये वाला है, तो इससे आप कुशन कवर बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं, और इससे आप जो माउस पैड है वो आप बना सकते हैं चारों तरफ से कट करके उसके अंदर फोम वगैरह लगा के, तो बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो शीट्स होती है प्ले मैट बना सकते हो इससे आप, और कुर्ती प्लाजो वगैरह जो भी आप चाहे वो आप बना सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी एक टाइप का प्रिंटेड फैब्रिक है, तो इससे आप कुशन कवर बनाइए, कर्टेंस बनाइए, बेबी के खेलने के लिए आप प्ले मैट बनाइए, पिलो कवर बना सकते हो, बेड शीट बना सकते हो, फ्रिल वाले कर्टेंस बना सकते हो इन टाइप के फैब्रिक से, प्लाजो बना सकते हो, बेबी ड्रेसेस बना सकते हो, फ्रॉक वगैरह आप इससे बना सकते हो, फ्रिल वाले आप सोफ़ा कवर सेट इनसे बना सकते हो, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस टाइप प्रिंट्स बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं, आप जिस टाइप का चाहे वो आप जो है फैब्रिक यूज करके हमने बनाइए। एक देखिए, एक बहुत सुंदर सा फैब्रिक है, ये देखिए प्रिंटेड फैब्रिक है, बटरफ्लाई इस पर बनी हुई है। ये मैंने परचेज़ किया है अपनी बेबी का फ्रॉक वगैरह ड्रेसेस बनाने के लिए। इस टाइप का फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, जॉर्जेट फैब्रिक है, इस पर बटरफ्लाई प्रिंट है। तो इस टाइप के फैब्रिक लेके लाइट कलर के आप अपने कमरे के कलर के अकॉर्डिंग मिक्स एंड मैच करके कर्टेंस तैयार कर सकते हो, फ्रिल डाल के फ्रिल सोफा कवर सेट बना सकते हो, बेबीज़ के ड्रेसेस बना सकते हो, पिलो कवर या कुशन कवर आप बना सकते हैं, अपने खुद की कुर्ती, प्लाजो, लहंगा, प्लेटेड प्लाजो, शरारा, गरारा, ये काफ़ी सुंदर इससे जो है बनते हैं, आप इसे तैयार कर सकते हो। ये प्रिंटेड फैब्रिक काफ़ी सारे काम में यूज में आता है। इसके अलावा आप अपना दुपट्टा बना सकते हो, बहुत ही प्यारा दुपट्टा इसमें बन जाएगा। फिर लगा दीजिए इसमें पिंक कलर की या येलो कलर की नेट फैब्रिक या सैंटोन जिस टाइप का फैब्रिक है, इसी टाइप का आप सेम मैचिंग कलर फैब्रिक लेके चार फिल लगा के चारों तरफ फोर साइडेड फिल लगा के आप दुपट्टा भी बना सकते हो। तो ये एक प्रिंटेड फैब्रिक के मैंने आपको कुछ सैंपल्स दिखाए। अगला नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वेलवेट का एक कपड़ा है। वेलवेट प्लेन्स में भी आती है, एम्ब्रॉयडरी वाली वेलवेट भी आती है, एम्ब्रॉयडरी वाली वेलवेट जो है काफ़ी महंगी आती है। ये एक छोटा सा टुकड़ा मेरे पास पड़ा है वेलवेट का, इससे आप बेबी कुशन बना सकते हो, बेबी के प्लोज बना सकते हो, अपना लेगीज हैगी या प्लाजो बना सकते हो। इसके अलावा आप सोफ़ा कवर या मैट्रेस कवर या आप अपनी बेड शीट बना सकते हैं, जो विंटर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी गर्म भी होती है, स्पेशली गर्म ये फैब्रिक गर्म होता है तो सर्दियों में ही इसका यूज़ होता है। तो ये आप वेलवेट का कपड़ा जो है यूज़ कर सकते हो अलग अलग टाइप से, अलग अलग चीज़ों को बनाने में, माउथ पैड आप इससे बना सकते हो, बहुत ही प्यारे सुंदर से आप इससे कुछ, जो विंटर्स में जब आप लगाते हैं तो कमरे की जो है रौनक और भी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं वेलवेट के अलावा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक बहुत ही टाइप के और बहुत ही अलग अलग कलर, ये देखिए ये कॉटन फैब्रिक है। कॉटन फैब्रिक आप सभी जानते हो बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं, कुर्ती प्लाजो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कॉटन फैब्रिक का कितने सारे यूज है। कॉटन की बेड शीट, कर्टेंस, बेबी प्लाजो, पजामे, कुर्ते, और जो निकर होता है बच्चों का, ट्राउज़र वगैरह ये बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे बनते हैं। तो कॉटन फैब्रिक का काफ़ी सारे यूज है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कॉटन की बहुत ही सुंदर सा चेक का फैब्रिक, ये मैंने परचेस किया है। ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, आप देख सकते हो इसकी सॉफ्टनेस, तो इससे आप कुर्ती बना सकते हो, अपना जंप सूट बना सकते हो, बेबी जंप सूट बना सकते हो। इसके अलावा आप चेक्स की बेड शीट तैयार कर सकते हो, सोफ़े का कवर आप बना सकते हो इससे, और अपना जो है चेक की कुर्ती बना सकते हैं, चेक का प्लाजो, प्लेटेड प्लाजो, और बहुत ही सुंदर फैब्रिक ये लगता है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, चेक्स का पिलो कवर हो गया। तो ये जो फैब्रिक है आप अलग अलग टाइप के कलर्स में, चेक्स में आप खरीद के अपनी मन चाहा अपना कोई भी जो है अच्छा चीज़ें जो है आप बना सकते हो घर के इस्तेमाल के लिए, बहुत ही प्यारा लगता है। ये कॉटन का है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, ये प्योर कॉटन नहीं है, ये सूखेगा नहीं, कहने का मतलब ये वही ऐसा फैब्रिक है जो मिक्स कॉटन है, तो ये सूखने वाला कपड़ा नहीं है, बहुत ही प्यारा। इसको मैंने परचेज किया कुर्ती बनाने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ऑरेंज कलर का, इसको बहुत सुंदर,
ये मेरे पास है कैसी, मैंने एक कुर्ती बनाने के लिए परचेज़ किया था, मैंने बना लिया उसकी कुर्ती। ये मैंने घर पे ही अपनी बहुत सुंदर सी कुर्ती थी यार, इस पर गोल्डन कलर का ये जो है फॉइल प्रिंट हो रखा है। ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये धागों से अंदर से जो है बना हुआ है। या पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये निकलने वाला नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर वीविंग हो रखी है। ये जो गोल्डन जो आपको ये प्रिंट नहीं आई, ये वीविंग हो रखी है, ये निकलने वाला नहीं है धागे से। बहुत सुंदर सा है, इसमें थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है। इसमें बेबी टॉप आप बना सकते हैं, बेबी प्लाजो बना सकते हैं, कुशन कवर भी बहुत प्यारा लगेगा इस टाइप के फैब्रिक्स का। तो ऐसे फैब्रिक्स खरीद के आप अपने कर्टेंस भी बना सकते हैं क्योंकि कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। ये देखिए मेरे हाथ भी आराम से दिखाई दे रहा है। तो ये फैब्रिक आप यूज कर सकते हो अलग अलग टाइप से अपना घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। पिलो कवर बनाइए सुंदर से, कुशन कवर्स बनाइए, बेबीज की ड्रेसेस बनाइए। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, वो है सेंटून। ये देखिए ये सेंटून का कपड़ा है, काफ़ी चमकदार है, ध्यान से देख लीजिए इसको। इस टाइप का कपड़ा जो है नेट फैब्रिक के नीचे लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि नेट फैब्रिक की कोई भी ड्रेस आप बनाते हो तो उसके नीचे लाइनिंग सेंटून का ही लाइनिंग लगाई जाती है। तो ये सेंटून कपड़ा है, तो ये सेंटून का कपड़ा आप यूज करते हैं तो ये जो है मार्केट में इजीली मिल जाता है इसका। ये इसके अलावा भी ना नेट फैब्रिक के प्लाजो बनाए जाते हैं, सलवार भी बनाई जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती, ज़्यादा टाइम चल नहीं पाते, तो ये नेट फैब्रिक के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है लाइनिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ एक ये वाला कपड़ा। ये वाले कपड़े काफ़ी ज़्यादा चले भी हैं, शायद अभी चले रहे होंगे। तो ये फैब्रिक्स हैं, इस पर गोल्डन कलर का, ये भी वीविंग है, प्रिंट नहीं है, निकलेगा नहीं। तो आप इससे जो है अपने बहुत सुंदर सा आप क्रॉप टॉप बना सकते हो, नीचे आप नेट फैब्रिक का कोई भी फ्रिल स्कर्ट वगैरह बना सकते हो, और ब्लाउज बना सकते हैं इससे, क्रॉप टॉप बना सकते हैं, प्लाजो बना सकते हैं, अनारकली ड्रेसेस बना सकते हैं, कुर्ती बना सकते हैं। कुशन कवर बहुत सुंदर लगेंगे यदि आप इस टाइप के फैब्रिक से बनाते हैं, और काफ़ी मोटा ये कपड़ा होता है तो बनाएंगे तो चलेंगे भी बहुत लॉन्ग टाइम तक, बहुत अच्छी तरीके से आपके कुशन कवर काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाले और ख़राब भी नहीं होंगे जल्दी से। इसके अलावा आप सोफ़ा कवर बना सकते हो इससे, तो इसके काफ़ी सारे यूज है। इस टाइप का फैब्रिक जो है काफ़ी तरीके से यूज किया जाता है, ब्लाउज भी बन जाता है इससे, क्रॉप टॉप भी बन जाता है। तो ये वाला फैब्रिक मैंने आपको दिखाया, ये भी कई सारे कलर्स में अवेलेबल है। मैंने ऐसा मेहरून कलर का एक और फैब्रिक परचेज़ किया है अपने कुर्ती बनाने के लिए, बहुत सुंदर, जब बन जाएगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये जो है ये नेट फैब्रिक है, इस पर फॉइल प्रिंट हुआ है। तो ये जो नेट फैब्रिक है ये भी कई तरीके से कुर्ती बनाने के लिए, प्लाजो बनाने के लिए, या कर्टेंस बनाने के लिए, पिलो कवर्स बनाने के लिए। तो ये वाला फैब्रिक बहुत सुंदर लग रहा है, इससे अब मैंने कुशन कवर बनाने के लिए छोटा सा टुकड़ा इसके पीछे लाइनें लगा के मैं इसे कुशन कवर बनाने वाली हूँ। इसके अलावा नेट फैब्रिक जो है कुछ इस तरीके का भी आता है। देखिए मैंने अपनी कुर्ती के लिए लेस परचेस की थी और वो कुर्ती मैं बना चुकी हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी। इस वाली कुर्ती के साथ मैंने ये वाली लेस लगाई है उसके दामन पर। तो ये नेट फैब्रिक की लेस है, बहुत ही सुंदर लगती है। इस टाइप की लेस आप लोकल मार्केट से या फैब्रिक मार्केट से परचेज करके अपनी कुर्ती को, अपने क्लोज को, अपने कर्टेंस को बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, ये कैम्बोस नेट बोलता है इसको। ये थोड़ा उभरा हुआ होता है वर्क इसका, फिर फ्लावर्स या पत्तियाँ इस तरीके का, मतलब छोटा सा एक फैब्रिक। ये देखिए ये वाला जो थोड़ा उभरा हुआ सा वर्क होता है इस पर, ये वाला जो नेट, ये भी एक टाइप का नेट फैब्रिक होता है। इसके नीचे लाइनिंग लगा के आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। आप थाल पोस्ट बना सकते हो इस फैब्रिक से, चारों तरफ फ्रिल लगा के, या इस फैब्रिक से जो है आप कुर्ती भी बनाते हैं लोग, स्लीव्स के लिए यूज कर सकते हो, लाइनिंग का प्लाजो बना सकते हो, कर्टेंस के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही सारे इस फैब्रिक के यूज़ है। इसके अलावा ये देखिए ये वाला जो फैब्रिक है ये भी एक टाइप का नेट फैब्रिक है। इसके नीचे मैंने कॉटन का फैब्रिक लगाया ताकि मैं इसका डिज़ाइन आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूं। तो इसके नीचे स्पेशली वैसे तो सैंटून कपड़ा यूज़ किया जाता है लाइनिंग के लिए, मैंने इसको इसलिए लगाया ताकि आपको इसका डिज़ाइन भी दिखाया जा सके। तो ये भी कई तरीके के डिज़ाइन में ये आता है ये फैब्रिक। उसका स्लीव्स बनने में यूज कीजिए, स्लीव्स बना सकते हैं ब्लाउज की, कुर्ती की, लाइनिंग लगा कर आप अपना प्लाजो या अपनी पैंट बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का बेबी फ्रॉक या क्रॉप टॉप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छे इसका यूज है। कर्टेंस में भी बनाया जा सकता है, थाल पोस बनाए जा सकते हैं। एक और नेट फैब्रिक दिखाती हूँ, ये भी एक फॉइल प्रिंट है। इस पर ये हर्ट शेप्स बनी हुई है गोल्डन प्रिंट से, बहुत ही सुंदर फैब्रिक है। इससे भी आप थाल पोस बना सकते हो, प्लाजो बना सकते हो, श्रग बना सकते हो, और अपना ब्लाउज बना सकते हो, क्रॉप टॉप बना सकते हो, या दुपट्टा बना सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे इसका लगता है, इसके कुशन कवर बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये भी एक टाइप का नेट फैब्रिक है। नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये इस पे बीड्स लगे हुए हैं। ये मशीन से पिनअप हो रखा है, ये निकलने वाले बीड्स नहीं है, पेस्ट नहीं है।
तो इस फैब्रिक, ये काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक होता है, इससे आप नया अपना दुपट्टा बनाइए, लहंगा बनाइए, अपना शरारा गरारा या पिलो कवर या कर्टेंस भी इससे बना सकते हैं। बहुत ही बेबीज़ के रूम को डिकोर करने के लिए, बेबी रूम के आप कर्टेंस इससे बना सकते हो, या स्ट्रग बना सकते हो, आप अपनी शॉर्ट लॉन्ग जैकेट्स बना सकते हो, दुपट्टा बना सकते हो, बहुत इसके सारे बहुत सारे इसके यूज है। या फिर आप अपने ब्लाउज के स्लीव्स के लिए या क्रॉप टॉप के स्लीव्स के लिए, कुर्ती के स्लीव के लिए इस टाइप का फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का नेट फैब्रिक है, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। इसके अलावा प्लेन नेट फैब्रिक आता है, इसका तो यूज आप सभी जानते हैं, इससे इसके नीचे लाइनिंग लगा के आप अपना प्लाजो कुर्ती या फिर अपना दुपट्टा चारों तरफ से फोर साइडेड बॉर्डर या लेस लगा करके, या कर्टेंस बनाइए, फ्लो कवर बनाइए, इसके नीचे लाइनिंग लगा के अपना कुर्ती बनाइए, बेबी स्ट्रॉक्स बनाइए, दुपट्टा बनाइए, इसके भी काफ़ी सारे यूज़ हैं। हे गाइस, तो आज मैंने आपको बहुत सारे फैब्रिक्स के टाइप्स और उनके यूज़ बताया और उनसे क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं, किस टाइप के ड्रेसेस आप तैयार कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप उनसे बना सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में क्लियर की गई है, क्योंकि इसमें मैंने कॉटन फैब्रिक, वेलवेट, प्रिंटेड, साटन, कॉटन और नेट फैब्रिक्स के बहुत सारे डिज़ाइंस और उनके कलेक्शन, उनके यूज़ मैंने इसमें बताया है, बहुत सारे फैब्रिक्स और उनके यूज़ और उनको किस तरीके से अलग अलग टाइप के ड्रेसेस बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, वो सारी ही बातें आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताई है। यदि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।